श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन बीते 12 वर्षों से निरंतर समाज हित जनहित में कार्य कर सम्मान हासिल कर चुका है। संस्था के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव ने संस्था के साथ ही दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन में जिम्मेदार पद पर रहकर दिव्यांगों के लिए प्रयास कर उन्हें मंच प्रदान किया है। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसने भिलाई वासियों को अपनी सेवाओं से काफी लाभान्वित किया है। संस्था के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव, जो कि स्वयं इस संस्था के माध्यम से लोगों की विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर सम्मानित भी हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया है, प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। हम आपको बता दें कि संस्था के संस्थापक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने ये संस्था अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। तब से लेकर अभी तक निरंतर सेवा कर लोगों को लाभ इस संस्था के माध्यम से वे दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव संस्था के प्रति काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों की सेवा तो कर भी रहे हैं, वहीं वे दिव्यांगों के लिए छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से दिव्यांग लोगों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें मंच प्रदान कर रहे हैं। ये दिव्यांग पूर्व में कई राज्यों में अपनी प्रस्तुतियाँ देकर मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। संस्था द्वारा भविष्य की योजनाओं से जो कि हितकारी है, इसका लाभ लोगों को पहुंचाया जा रहा है। ये जानकारी संस्था की सचिव व सेवानिवृत्त उपरांत संस्था से लाभान्वित होकर यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे राजेश कुमार ने कही है। मैं जसवीर कौर, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव पद पर पदस्थ हूँ। हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है जो विगत 12 वर्षों से लगातार भिलाई वासियों को अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रही है। संस्था द्वारा विगत 12 वर्षों से भिलाई के जितने भी सेवानिवृत्त पर्सन होते हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट, ITR और मेडिक्लेम, ये सारी सुविधाएं संस्था निःशुल्क प्रदान करती है। इसमें ये होता है कि अगर वो कहीं और से करवाते हैं तो उनसे इन्हीं सब फॉर्म फिलअप वगैरह के 100 से 150 रुपये लिए जाते हैं, और अपनी संस्था ये सारी चीज़ें जो है पैसे नहीं लेती है, निःशुल्क ये देती है। चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना ही उनके पिता के स्मरण में हुई है। संस्था के संस्थापक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने उनकी याद में ही ये संस्था का स्थापना किया था। अपने पिताजी से वो मोटिवेट होकर, क्योंकि वो भी सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रखते थे, तो उनसे ही प्रेरित होकर इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। बीते दिनों में जैसे अभी लेटेस्ट में जो हुआ था है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए वो अपनी सेवाएँ, जैसे अब तक सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट, ITR, मेडिक्लेम, यही सारी सेवाएं हम दे पा रहे थे, लेकिन अब हमारी संस्था से एक और पर्सन जुड़े हैं जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वो वहाँ पर उनकी सेवाएं थी कि जो फाइनल सेटलमेंट या पेमेंट होता है तो वो वहाँ पर दे रहे थे। अब उनको हम यहाँ अपनी संस्था से जोड़कर यही सारी सेवाएँ वो हम अपनी संस्था के द्वारा अब देना चालू कर रहे हैं। ये अब तक नहीं था हमारे पास, ताकि जितने भी रिटायरीज इस सारी चीज़ों के लिए कहीं और जाते थे तो उनको कहीं और ना जाके यहाँ से सारी ये सारी सुविधाएं दी जाए। शहरवासियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो किसी चीज़ के लिए बाहर जाके परेशान हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा अगर बैंकिंग वगैरह की भी कुछ इश्यूज़ है, जैसे किसी का आकस्मिक या स्वाभाविक मृत्यु होता है, उसके उपरांत फिर जो दावा पत्ती होती है वो बैंक में देनी होती है, जिसके लिए उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी अपनी संस्थाएँ करती हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ में अब ये सब भी ऐड हो गया है। बताएं, संस्था के कार्यों के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा भी संस्था को उनके सामाजिक कार्यों में तो सम्मान मिला है। ये हमारी संस्था है, ये इसके संचालक हमारे श्री अरुण कुमार जी श्रीवास्तव जी हैं, और ये संस्था हमारे विगत लगभग 11 साल से कार्यरत है। ये संस्था जैसे इस संस्था द्वारा है, मतलब जैसे निःशुल्क सेवाएं जैसे प्रदान किया जाते हैं, हमारा संस्था का उद्देश्य यही है कि सेवा सलाह और समाधान, इसके तहत ही हम अपन कार्य का अपना निष्पादन करते हैं। इसमें जैसे कि दिव्यांगों के लिए सब निःशुल्क मतलब सेवाएँ दी जाती है, और जैसे कि जब शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए सब विद्यार्थियों के लिए भी हमारे सेवा भावनों से इनके लिए कार्य किए जाते हैं। हाँ, जैसे इसमें मतलब अभी बीते दिनों में मतलब इनके मतलब इस संस्था द्वारा विकलांगों के लिए एक क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया था, और महिला दिवस में भी इनके महिलाओं का सम्मान भी किया गया था।
मतलब और विविध बहुत सारे इसके कार्य हमारे संस्था द्वारा विगत दिनों में किए गए हैं। इतनी कोई योजना है, संस्था का प्रयास है, वो किस तरह का है? हाँ, उसमें संस्था का प्रयास ये है कि मैं स्वयं जैसे मेरा नाम राजेश कुमार देवांगन है, मैं खुद एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ और मैं भिलाई स्टील प्लांट के सेवा कर्मचारी सेवा विभाग में कार्यरत था, जहाँ मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र के जितने भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनके फाइनल पेमेंट के संबंध में जितनी भी मतलब उनका जो भुगतान होता है किसी हर प्रकार के, वो जैसे कि फाइनल पेमेंट है, फाइनल सेटलमेंट, ये बिल है, मेडिक्लेम है, सेवा है, और इसके अलावा एनपीएस है।